हेलो गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर एमबीजी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीडियो का टाइटल आप लोग पढ़ चुके होंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जितनी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है ना, अगर वो काम ना करें तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और कॉमेंट्स में जितना बुरा भला कह सकते हो कह देना। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो टिप नंबर वन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टिप आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी सिवाय इस चैनल की। ये बाबा मासदेव की टिप, मजाक कर रहा हूँ। ये टिप जो है ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, कहीं से गूगल से उठाई हुई, कहीं किसी जगह से उठाई हुई टिप नहीं है। सो टिप नंबर वन जो है वो ये है कि नमाज़ पढ़ना। अब आप ये बोलेंगे कि यार नमाज़ तो हम भी पढ़ते हैं, और कौन मुसलमान ऐसा जो नमाज नहीं पढ़ता? लेकिन एक चीज़ जो है, एक बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। फ़र्ज़ करो तुम्हें एक जगह बिठा दिया जाए और कहा जाए तुम्हें कि इस जगह पे तुमने दुआ मांगनी है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, और उसी जगह पे तुम्हें बिठाया जाए, तुम्हें कहा जाए इस जगह पे तुम्हें नमाज़ पढ़नी है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। तो हो सकता है कि जब तुम दुआ मांगने के लिए बैठो तो उस 5 मिनट की जगह तुम 10 मिनट ले लो, 10 की जगह 15, या फिर 20 मिनट भी ले सकते हो। और ये भी हो सकता है कि उस जगह पर जहाँ तुम नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे हो, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए बैठो और 5 की जगह 3 मिनट या 4 मिनट या टोटल 5 मिनट अपनी नमाज़ ख़त्म कर दो। हमारे पास मिसाल मैं देता हूँ आपको, अल्लाह ताला ने कहीं ऐसी आयत रखी हुई हैं जैसे कि फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। सही है, तो जब आप इस बात पे गौर करेंगे, जब आपको इसका मतलब मालूम होगा, जब आपको आयतों का मतलब मालूम होगा, तो जाहिर सी बात है डेफ़िनेटली आपको अंदर से खुशी हासिल होगी। और टिप नंबर वन यही है, नमाज की पाबंदी करना। टिप नंबर टू मैं आपको ये बताता हूँ कि साइंस के मुताबिक इंसान को दिन में 76,000 ख्याल आते हैं। अब उस 76,000 में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो मेरे भाई मुझे ये बता कि तू सिर्फ नेगेटिव ख्याल के ऊपर क्यों ध्यान देता है, पॉजिटिव ख्याल भी तो आते हैं। तो सबसे पहले काम, दूसरी टिप में आपने ये करना है कि जितने भी नेगेटिव ख्यालात हैं उनको रखना है साइड पे, पॉजिटिव ख्यालात की तरफ आपने ध्यान देना है। सही है। सो तीसरी टिप पे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, और बराबर में एक बेल का आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर्स तो बढ़े यार, 400 पे आके रुक गए हैं, बढ़ेंगे नहीं आगे सब्सक्राइबर्स। सो तीसरी टिप ये है कि मान लो तुम्हारा रूटीन है, तुम सुबह 8 बजे उठते हो और ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जो भी है। तो अब पूरे दिन में तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हो, जो भी अच्छा काम हो, आपने सिंपल ये करना है, जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लेना है। जब आपने उसको नोट कर लिया, नोट करने के बाद उसको एक जार में रख देना है। जब आप वापस आएँ, खाना खाएँ, फ्रेश हों थोड़ा सा, और उसके बाद जब सोने के लिए लेटें, तो जितने अच्छे काम आपके साथ दिन में हुए थे ना, उनको निकाल के ज़रा पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आप कितने खुशकिस्मत आदमी हैं। ये आपको मालूम नहीं है आप कितने खुशकिस्मत आदमी हैं। अच्छा जी, टिप नंबर फोर ये है कि आपने अपने यादगार लम्हात को सोचना है, उनको याद करना है। तो जब आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो डेफिनेटली इतने मनफी ख्यालात आपके जहन में आते हैं ना, सब दूर हो जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होना शुरू हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। सो ये 4 टिप्स थी आज की वीडियो में। तो मुझे ये बताओ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी कहीं से भी, तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि हाँ वीडियो हेल्पफुल थी हमारे लिए। और दूसरा ये बता दो कि इसका पार्ट 2 रिलीज़ किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि सिर्फ 4 टिप्स मैंने आपको दी हैं और टिप्स बहुत सारी रखी हुई हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और